वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरव दीप शर्मा लेके आया हूं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, और वो भी रिपब्लिक डे के उत्सव पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से, मेरे बैटरी स्कूल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से मेरे पहले मैं उन 51% लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो कि चैनल को आज भी नॉन सब्सक्राइब वे में देखते हैं। वीडियोस अगर पसंद आती हैं और आपको कंटेंट 1% भी अगर अच्छा लगता है, तो मेरे मित्रों प्लीज उन वीडियोस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को स्प्रेड आउट कीजिए अगर पसंद आती है। पसंद नहीं आती कमेंट करके मुझे चार बातें बताइए, क्या क्या मैं और कर सकता हूं, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो खासकर जब इंडस्ट्री में हम लोग एसिड को सर्कुलेट कर रहे होते हैं तब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्दियों में एसिड को डाइल्यूट करना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बनस्पत गर्मियों बहुत सारे प्लांट हम भी बनाते हैं एसिड सर्कुलेशन के लेके, पर होता क्या है कि वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है या इजीली हम लोग उसको नहीं लगा पाते। तो हमने उसको एक बहुत ज्यादा बजट कॉन्शियस बनाया, लोएस्ट टू लोएस्ट बजट में हम उसको लेके आए। अभी क्या है, इसको दो तरीके से हम काम में लेते हैं। देखिए पीछे आपको एक मैंने पिक्चर दिखाई है, ये नॉर्मली क्या है कि एक चीज से हम कितने सारे एप्लीकेशंस ले सकते हैं उसको आप समझिए थोड़ा। ये पिकलिंग टैंक था पहले, इस पिकलिंग टैंक में हमने सर्कुलेशन सिस्टम लगा दिया, ऑटोमोटिव सर्कुलेशन सिस्टम लगा दिया, वहां पर भी है, उस इंडस्ट्री में भी हमने इसको काम में लिया। जहां पर पिकलिंग होती है बैटरी के अलावा, उन सेगमेंट्स में भी हमने इसको काम में लिया। अब बात आती है कि सर्कुलेशन प्लांट हम बड़ा ना लगा के क्या हम छोटे सर्कुलेशन सिस्टम से अपनी बैटरी के एसिड को भी सर्कुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे, जो आपके पास ऑलरेडी स्टोरेज है आप उस स्टोरेज में भी इसको इनबिल्ट करा सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी पिकलिंग टैंक है आप उसमें भी इसको इंक्लूड करा सकते हैं, या जो नए सेटअप आप लेना चाह रहे हो सर्कुलेशन के लिए तो लो बजट में आप इसको बाय भी कर सकते हैं। अब मैं पहले सबसे पहले शुरू करता हूं जो आपके पास पिकलिंग का प्रोसेस है। आप प्लेट की पिकलिंग करते हैं, ड्रम में करते होंगे या टब में करते होंगे, उसमें सर्कुलेशन या तो एयर की लोग लाइन डाल देते हैं, उस एयर की लाइन से किसी भी सूरत में हम उस एसिड को वापस से ऊपर नहीं ला सकते, जो कि हैवी एसिड नीचे बैठ जाता है 12, 13, 14 घंटे के बाद। उसके लिए ये सिस्टम पोर्टेबल सिस्टम है, ये सिस्टम हम आपके पुराने पिकलिंग टैंक में इंस्टॉल कर देंगे जिसमें मोटर और पीएलसी इंस्टॉल हो जाएगी और वो आपका सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 12-13 हजार रुपए के आसपास से स्टार्ट है, और जितनी बड़ी कैपेसिटी हमारी होगी उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन करते चले जाएंगे। तो 10-12 हजार रुपए हमें सर्कुलेशन में अगर पिकलिंग में लगाना है तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं। पहली चीज ये तब है जब आपके पास पिकलिंग टैंक ऑलरेडी है। अब आ जाते हैं सर्कुलेशन पे। अगर क्या आपके पास पहले से ही कोई सर्कुलेशन डाइल्यूशन सिस्टम, तो सब ऑब्वियसली बात हो गई, चाहे वो ड्रम में डाइल्यूट करते हो या टब में डाइल्यूट करते हो, वहां पर भी आप अगर आपका टेम्परेचर 1800 का जो टेम्परेचर डाइल्यूशन के बाद में आपका एम्बिएंट टेम्परेचर पर आ जाता है 50 या 60 डिग्री के आसपास आ जाता है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ये काम नहीं करता। कहां पर, जहां पर कि हम एसिड डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अगर के हमने इसको सेमी डाइल्यूट कर लिया है और हम 1500 या 1400 के आसपास की डिग्री पे हम हैं, तो वहां पर ही सर्कुलेशन करके 1200 आपका 6-7 घंटे में आपको बना के दे देगा। ये वहां पर भी लगभग 15-16 हजार रुपए की रेंज में ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, जबकि आपके पास डाइल्यूशन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल नए सेटअप की। पिकलिंग के लिए पिकलिंग टैंक आते हैं, नॉर्मल टैंक भी आते हैं, सर्कुलेशन के साथ भी आते हैं। तो हमने दोनों तरीके के टैंक्स बनाए हैं। नॉर्मल टैंक भी आप हमसे बाय कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप पिकलिंग टैंक विद ऑटो सर्कुलेशन सिस्टम चाहें तो वो भी आपको मिल सकता है। दिक्कत क्या थी कि बहुत सारे लोगों के पास पिकलिंग टैंक थे, उनको उसमें सर्कुलेशन सिस्टम लगाना है तो वो क्या करें, उसको फेंकेंगे थोड़ी ना, तो वहां पर भी आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। यहां पर वो फीचर भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरी बात आती है एसिड सर्कुलेशन विद ऑटोमेशन। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की कि हम 1800 से 1400, 1400 से 1200 कैसे बनाएं, तो देखिए यहां पर दो तरीके का सेटअप है। एक तो ऑटो सर्कुलेशन प्लांट है जो कि मोर देन 60 डिग्री टेम्परेचर काम करता है, उसकी कॉस्ट आती है लगभग 60-65 हजार रुपए के आसपास, क्योंकि उसमें जो डिजाइन है, जो मोटर का डिजाइन है, वो कंडेंसर के साथ होता है। पर अगर हम 1400 से आगे डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा 15-20 हजार रुपए की रेंज में, अगर हम अपना यूज कर रहे हैं तब हम 14-15 हजार रुपए की रेंज में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पिकलिंग टैंक चाहिए तो टब विद टैंक हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि 1800 से पहले हमने 1400 कर लिया और 1400 से हमने 1200 कर लिया। इस सारे प्रोसेस में
सात से आठ घंटे का टाइम जाएगा, वो दो दिन या चार दिन का जो पहले तीन दिन का टाइम लगता था कि पहले हम एसेट को डायल्यूट करके रखते थे, वो टाइम अब नहीं लगने वाला है ड्यू टू ऑटो सर्कुलेशन। उससे आपका हीट भी एक्सचेंज होती है, यानी कि टेम्परेचर भी जल्दी डाउन हो जाता है और प्रॉपरली ग्रेविटी मेंटेन भी रहती है। तो आशा करता हूं ये मशीन, ये जो भी चीजें हम बना रहे हैं, ये आपके कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में हेल्प करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके हमें बताइए क्या इसकी अप्रोच सही डायरेक्शन में है या इसमें कुछ और चीजें भी हम कर सकते हैं। अभी तक बैटरी स्कूल ने जिन जिन सेगमेंट में भी काम किया है वो सारे सेगमेंट मैं खुद अपनी फैक्ट्री में लगा के इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूँ। मुझे बहुत इससे तसल्ली भी है और अच्छा मुझे इसका फीडबैक भी मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड कुछ भी चीज हम और नहीं करें तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बताइए, हम उस तरफ भी काम जल्दी शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पीछे बैकड्रॉप में आपने इसकी पिक्चर देख ही ली, इसका मैं वीडियो भी बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ये मशीन भी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में या नई मशीन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उन 51% लोगों से मेरा वापस से कहना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखिए, इससे हमें खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर तहे दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद।